ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड 44 सेकेंड्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म. वॉट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर. और पहली चीज 72 किलोमीटर पर आवर है, यहां सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो हम 72 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो इंटू 5/18, सो 18 4 4 5 20 मीटर पर सेकेंड. ये है स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, लिख भी देते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब दिस ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन. ठीक है, तो यहां पे आप ये देखिए, एक आदमी अपने सामने से 10 सेकेंड तक एक ट्रेन को गुजरते हुए देखता है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड पे गुजर रही है. तो यहां पे हमें पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा. लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा 10 सेकेंड्स तक के लिए वो ट्रेन देखता है 20 की स्पीड पे, मतलब 200 मीटर्स. लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स. दिस ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 44 सेकेंड्स. तो प्लेटफॉर्म, अगर मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ट्रेन को इसे क्रॉस करना है, तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करना तब कहा जाएगा जब ट्रेन ये पूरा क्रॉस करे. तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की होगी. अब ट्रेन की लेंथ तो हमें पता चल गई 200, और प्लेटफॉर्म की लेंथ x पकड़ लेते हैं, तो यानी टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 200 प्लस एक्स. ठीक है, तो 200 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस किस स्पीड पे, 20 की स्पीड पे कवर करने में कितना लगता है, 44 सेकेंड्स लगता है. यानी 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 880 हो गया. यानी x जो कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म था वो हो जाएगा 880 माइनस 200, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 680 मीटर, है ना, विच मीन्स आंसर ऑप्शन 3. For more such videos on time, speed, distance and various other topics, download Spark Video Bank app.